बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और इसका डिफिनेशन ये है कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स दैट पास थ्रू एन एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एरिया रखा हुआ है, उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखूंगा, ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है, सो ये बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को हम कॉस रिप्लेस करते हैं, सो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर वन आ गया हमारे पास। जिस तरह के मैथमेटिकल इक्वेशन से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का जो यूनिट है वही इसका यूनिट बन जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, सो ये बन जाएगा, इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, या इसको यूनिट कहते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? जब थीटा जीरो होगी, सो वैल्यू कॉस की वन होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, सो थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो इक्वेशन वन में हम डालेंगे, ये बन जाएगा फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो वन के बराबर होता है, सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी फाइव इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आ गया। अब जीरो फ्लक्स क्या है? जीरो फ्लक्स उस वक्त होगा जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, सो बिकॉज कॉस 90 जीरो के बराबर होगा। इक्वेशन वन में डालेंगे, सो ये बन जाएगा ई ए कॉस 90। कॉस 90 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज जीरो, सो फाइव इज इक्वल टू जीरो फ्लक्स आ जाएगा इस वक्त। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सर्फिस, किसी भी क्लोज सर्फिस से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ पास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई क्लोज सर्फिस है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, सो इसमें से रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती होती हैं, ठीक है, और ये इसके ऊपर पैचेस हैं, मतलब ये एरिया 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 फुटबॉल आप ले लेना, ठीक है, पैचेस हैं। ये एरिया में बहुत सारे एरिया को कंसिडर करता हूँ, ये A1 A2 A3 A4, यहाँ से मतलब इस तरह जाते रहें, और ये AN। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई वन बन जाएगा E1 डॉट A1। सिमिलरली फाई टू बन जाएगा E2 डॉट A2। जाते जाइएगा, फाई एन इज इक्वल टू EN डॉट AN। इन सब को समाप्त करके बन जाएगा टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई एन, और इस तरह, ठीक है। इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दें, ये बन जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई वन ए वन प्लस ई टू ए टू प्लस ई थ्री ए प्लस, आगे जाते जाइएगा, ये बन जाएगा ई एन ए एन। अब जिस तरह आपने नोट किया हुआ है कि चार्ज एक ही है, सिमिलर चार्ज है सबके लिए, सो ई वन ई टू ई थ्री ये सारे ई ही बन जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबकी एक ही है, सिमिलर है, सो ई आप बाहर निकाल लें और जो सरफेस एरिया है उसको आप डेल्टा कंसिडर करें और समेशन का साइन लगा लें, सो ये बन जाएगा फाई ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई डॉट डेल्टा ए। यहाँ तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी।